नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताजा अपडेट पहुंचे आपके पास। ओके, मैं राइस कसर हंगामा टाइम से, मैं पीलीभीत जिला के तहसील पूरमपुर में खड़ा हूँ। यहाँ 71 नाथ शिव मंदिर माना जाता है और यहाँ बहुत बहुत दूर के भक्तगण आते हैं। यहाँ मेरे गुरुजी हैं। गुरुजी अपना नाम बताइए। दिवाकर मिश्रा, पंडित दिवाकर मिश्रा जी। तो क्या है यहाँ पे, लोग मन्नत मानते? मैंने देखा नल बहुत सारे लगे हैं, तो सब सबकी मर्यादा पूरी होती होगी। पूरी होती होगी तभी तो लगाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा परिचय दीजिए शिव मंदिर के बारे में। शिव मंदिर का परिचय यही है कि ये पहला तो यह है कि शिव मंदिर है, और शिव मंदिर तो जितना भी है जहाँ है वो सब अपने आप में होते ही हैं, उनका एक अलग शिव जी का परिचय है। और बाकी यह है कि आप ये जानना चाहते हैं शायद कि ये कैसे, क्या है इसका जी महिमा का। जो अभी आप कह रहे हैं कि ग्वाल जो मतलब गाय चुमाने वाले होते, कोई कहानी इस चीज़ में मतलब इस चीज़ का हुआ? देखिए, यहाँ देखने से पता ही लगता है कि चारों तरफ जंगल है, और स्वाभाविक है कि जंगल में जब ये रहा है तो कहीं ना कहीं इसकी खोजबीन तो हुई होगी मंदिर की। तो शुरुआत में जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, पड़ोसी गांव है हमारे चारों तरफ, वहाँ के लोग आते थे यहाँ, तो जानवर चराने, गाय वाय चराने यहाँ आते थे। उन्हीं लोगों के द्वारा यहाँ का जानकारी हुआ, शिवलिंग की जानकारी हुई कि यहाँ पे है। फिर बड़े बुजुर्ग लोग यहाँ पर आए, उन्होंने देखा। ईंटें वीटें तो यहाँ पहले से ही थी, एक खंडर टाइप का ढहर हुआ था, हाँ, तो उसमें शिवलिंग निकली। उसके बाद धीरे धीरे मन्नत शुरू होने लगी, और शिवलिंग के साथ में बड़े बूढ़ों ने बताया, महत्व यहाँ पे इसलिए ज़्यादा हुआ कि जो शिवलिंग निकली थी, ग्वालों ने निकाली थी, चरवाहों ने, वो तो एक आम है, कहीं भी निकल सकती है, लेकिन जब वो लगातार कंटिन्यू आए, आज कल परसों से उन्होंने यहाँ पे एक चीज़ पाई, वो कॉमन ये थी कि उस शिवलिंग पे फूल चढ़े मिलते थे, यानी कि प्रकृति के द्वारा कोई ऐसा था जो पूजा करके जाता था, वो एक ज़्यादा इशू बना, और उसी के द्वारा धीरे धीरे यहाँ पे लोग आते रहे, देखते रहे कौन पूजा करके गया कौन नहीं गया। अच्छा गुरुजी, यहाँ पे विधायक भी आते होंगे? यहाँ सभी आते हैं, पर यहाँ पे जो सौंदर्य कार्य विधायक या मंत्री ने भी तो करवाए नहीं। मैं पीलीभीत के मंत्री बन चुके, विधायक बन चुके, पूर्वी बनते हैं, तो यह सरकारी द्वारा कोई नहीं इस सुविधा का लाभ मिला? सरकार के द्वारा यहाँ भी कुछ ऐसा नहीं हुआ। आप लोग आए हैं, इस समय बरसात का समय है, सावन का महीना है, तो आप देख रहे हैं कि चारों तरफ कीचड़ है। बड़ा दूर दूर से यात्री आते हैं अपने बड़े वाहन छोटे वाहनों से, हम तो पास से आते हैं, हमें भी दिक्कत होती है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, कुछ कहा भी जाए तो लोग कहते हैं वन विभाग परमिशन नहीं देता। वन विभाग अच्छे काम के लिए परमिशन नहीं देता, गलत काम के लिए सबके लिए परमिशन देता है। करने वाला जो होगा तो वो तुरंत कराएगा जी, और जो कराने वाला नहीं तो उसको बहाने तो सौ हैं, बाकी क्या है कि प्रशासन ने मतलब इस धार्मिक स्थान पे किसी मंत्री विधायक सरकार ने कोई लाभ नहीं दिया। यहाँ जो कुछ है हमारा आपका है, या बस मतलब पब्लिक भक्तों का है, भक्त आते हैं वो करते हैं, बाकी सरकारी यहाँ पे अभी एक मैनेजर साहब, बैंक मैनेजर, स्टेट बैंक के जो थे अधिकारी, उन्होंने ये बाउंड्री जो देख रहे हैं चारों तरफ जी, उन्होंने कराई है। ये कहाँ के थे? ये शायद इसी मंडल के हैं। आप कह रहे थे बाबा जी गुरु सक्सेना जी बता रहे हैं नाम कोई, हाँ सक्सेना थे, उनके द्वारा है। हाँ, उन्होंने यहाँ पे काफी कुछ किया है, मतलब यहाँ पे वगैरह लगाई है जितनी, यहाँ जो सौंदर्य है मंदिर की, सारा उनका नहीं, भक्तों का है। हाँ, सारा भक्तों का, किसी सरकार द्वारा, किसी सरकार में कोई भी विधायक एमपी बनने बाद इस मंदिर के सौंदर्यीकरण किसी ने देखे। यहाँ पे आपके बरखेड़ा के अभी भारतीय जनता पार्टी के पीछे रहे विधायक जी स्वामी बाबा जी, नहीं बाबा जी तो इसमें वर्तमान में है, वो किशन लाल राजपूत जी, उनकी यहीं पे हमारी परिचय पहले से था, यहाँ आए हमने, उनका एक भाई साहब पंडित जी थे, उनके द्वारा पूजन कराया, काफी लंबी चर्चा हुई। यहाँ पे कुछ ऐसी गतिविधियाँ थी जो हमने उनके सामने रखी भी थी, पर कोई मतलब उनका हमने देखा नहीं मुड़के। हाँ, इसके बारे में कुछ ऐसा नहीं हुआ, जो रास्ता इसके बारे में कुछ मतलब कच्चा रास्ता है और बहुत मतलब भक्त हैं, उनका बहुत दिक्कत होती है। अगर रास्ता यहाँ सही हो तो जितना कांवड़िया है
वो सब यहाँ जो काशी जाता है, छोटी काशी जाता है, वो सब यहाँ आएगा। एक एक तो लोग डरते हैं कि जंगलों में आने जंगल में, हाँ, इसलिए डरते कि वो रास्ता बेकार है। अब अगर रास्ता पक्का हो तो आदमी सीधे चलाए। दूसरा सबसे बड़ा बिंदु ये है, लोग इसलिए डरते हैं कि ये जंगल है, जंगल जाने में। जैसे शहर का आदमी है वो ज़्यादा डरता है, गांव के लोग कम डरते हैं। लेकिन है क्या कि ये जंगल है, लेकिन बहुत छोटा जंगल है और साफ सुथरा, इसमें कोई ऐसा खतरनाक जानवर नहीं है। भोलेनाथ की कृपा से बिल्कुल सही है, बढ़िया है। पर यह यहाँ सरकार ने किसी विधायक सांसद यहाँ तक रोड पक्का डालने की हिम्मत नहीं करी, कुछ नहीं, कुछ नहीं। और जबकि बहुत लंबा नहीं है, इधर जंगल क्रॉस करेंगे पार होंगे, वैसे ही पक्का रोड है, पक्का। और इधर जब आप जाएंगे इधर भी पक्का है। बस ये जंगल का जो एरिया है, अगर इसको भी मिला दिया जाए और सौंदर्यकरण के स्तर से, अभी हमारे एक जिलाधिकारी महोदय अखिलेश मिश्रा जी आए थे, उन्होंने गोमती जी जो हैं, जो यहाँ से पीलीभीत से उद्गम है उनका, वहाँ से उन्होंने प्रारंभ कराया, सफाई वगैरह हुई है, तो इसमें भी कार्य बड़े हाथ चल रहा है। क्योंकि ये नदी पीलीभीत जिला मावटाड़ा से निकली हुई है, और यहाँ की पूरे संस्था जो लखनऊ जाके बीच, मतलब वहाँ तो पहचान है, वो हमारे अपने जनपद पीलीभीत से उसका उद्गम हुआ है, जो आज लखनऊ की शान और पहचान बना है। गोमती नगर, गोमती के नाम से लखनऊ जाना जाता है, वो पीलीभीत से ही उनका जन्म हुआ है, ये एक बहुत बड़ी अपनी बात है। तो पीलीभीत को तो विशेष भी ध्यान देना चाहिए, मतलब प्रशासन की स्थापना, मतलब कुछ पता है कितने बार सोच रहे हैं इसको? तो बहुत लंबा है, जो बड़े बुजुर्गों के द्वारा है और सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, प्लेट लगी है, उस तथ्य के अनुसार कहा जाता है कि देवराज इंद्र के द्वारा इसकी स्थापना की गई 101 शिवलिंग की। और ये जितनी भी शिवलिंग हैं, जितने भी मंदिर मिलेंगे आपको, वो सब गोमती के किनारे किनारे। इससे आगे बढ़ेंगे तो एक और मंदिर है जो बरगदिया के नाम से, बरगदिया बाबा के नाम से जाना जाता है। सब इससे पहले उन्हीं का जो था प्रचलन था, वहाँ या इसी भीड़ होती थी। अब जब यहाँ स्टार्ट हुआ तब थोड़ा वहाँ पे कम हुआ है। ठीक, आ गए भटवा दिया तुमने, आ गए। उतर ले कह रहा है एक दिन जब है चलता हूँ। जो व्यक्ति है मनोकामना अपनी श्रद्धा और मन से मांगते हैं, यहाँ पे लोग नल लगवाते हैं, इन्हें बोलते हैं कत्तनाथ। जंगल में मंदिर है, नली नल आप देख रहे हैं, जंगलों में मंदिर।
हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।